गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक एंड अवर टॉपिक इज सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक? इट इज एन अपेक्स बैंक विच सुपरवाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. इट मीन्स दैट सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक. क्या कहा गया है? सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक है. व्हाट डू यू मीन बाय अपेक्स? अपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, जो सबसे हाई बैंक जिसको हम कहते हैं, वो कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक. विच सुपरवाइज, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज? सुपरवाइज का मतलब होता है डायरेक्ट करना. क्या करना? डायरेक्ट करना. डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जो सुपरवाइज करता है. एंड रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन बनाना. क्या बनाना? रूल एंड रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन बनाता है. एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक. और क्या करता है? कंट्रोल करता है किसके ऊपर? जो कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटी है उनके ऊपर कंट्रोल करता है. एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और किस पे कंट्रोल करता है? अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एंड ग्रांटेड लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं एंड ग्रांटेड लोन. किस लिए करता है? फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, ताकि क्या कर सके? इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके. ग्रोथ होगी तो क्या होगा भाई? आउटपुट बढ़ेगा. ग्रोथ होगी अगर इकोनॉमी में तो क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा. आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी रेज होगी. बट जीडीपी मस्ट बी बैलेंस. क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, यानी विद स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. स्टेबिलिटी का मतलब है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, उसको क्या करता है? बैलेंस करता है. कौन? आरबीआई. सेंट्रल बैंक इज नोन एज सेंट्रल. डेफिनेशन क्लियर हो गई? तो शॉर्ट में कहें तो अपेक्स बैंक है जो सभी जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है. इसका मेन मोटिव क्या होता है? इकोनॉमी में ग्रोथ करना होता है, लेकिन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमी में. नाउ इट्स फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. फर्स्ट फंक्शन क्या है? इशूइंग नोट्स. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आरबीआई ऑफ इंडिया हैज अ सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट. आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है. व्हाट डू मीन बाय सोल? सोल का मतलब क्या होता है? सोल मीन्स सिंगल. सिंगल पावर है आरबीआई के पास. किस चीज की? फॉर इशूइंग पेपर करेंसी, यानी जितनी भी पेपर करेंसी है, 2 रुपीज और मोर देन 2 रुपीज. 2 रुपीज और मोर देन 2 रुपीज, दो से ज्यादा जितने भी नोट इशू किए जाते हैं उसकी सिंगल अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है. एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड क्वाइन विच आर इशू बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. एक्सेप्ट छोड़कर, लेकिन जो 1 रुपए नोट है और जितने भी क्वाइंस हैं उसका राइट आरबीआई के पास नहीं है. उसका राइट किसको दे दिया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर को राइट है कि वो 1 रुपी नोट और ऑल टाइप के क्वाइंस को इश्यू करता है. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यू करेंसी बेस ऑन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम. न्यू करेंसी किस पर बेस है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम. और मिनिमम रिजर्व सिस्टम मस्ट बी 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, 115 करोड़ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड रेस्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी. 200 करोड़ का रिजर्व होगा जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा और जो रिमेनिंग होगा वो फॉरेन करेंसी. नाउ सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है. आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. आरबीआई एक्ट करता है बैंकर्स के रूप में, एजेंट के रूप में और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में. किसके लिए?
सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. अब देखो कैसे करता है, एज अ बैंकर, बैंकर के रूप में क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटेड लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किसकी, गवर्नमेंट की. एंड ग्रांटेड लोन, लोन ग्रांट करता है किसको, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट को लोन ग्रांट्स करता है एज अ बैंकर के रूप में. सेकंड हमने पढ़ा था एज अ एडवाइजर, एडवाइजर के रूप में क्या काम करता है, एज अ एडवाइजर द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक अ एडवाइस फ्रॉम द आरबीआई. टाइम टू टाइम एडवाइस लेती है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी यानी इशूइंग करेंसी, कितनी करेंसी इशू करनी है, इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कौन देता है, आरबीआई. एडवाइजर का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, आरबीआई रोल प्ले कर रहा है. नाउ एजेंट, एज अ एजेंट के रूप में काम करता है. एजेंट क्या होता है, मीडिएटर, बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय करता है एंड सेल करता है. कौन, एजेंट का रोल भी यहाँ पर कौन करता है, आरबीआई का. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल. बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है. द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स टू द अदर बैंक. इट बियर्स द सेम रिलेशन विद द कॉमर्शियल बैंक विद द जनरल पब्लिक. क्या कह रहा है कि आरबीआई बैंकों का बैंक है और कैसे है, जैसे कॉमर्शियल बैंक किसके साथ डीलिंग कर रहा है, जनरल पब्लिक के साथ. क्या डीलिंग करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटेड लोन. यही दो काम करते हैं जनरल पब्लिक के साथ कॉमर्शियल बैंक काम करता है. ऐसे ही आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करता है, कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड ग्रांटेड लोन फैसिलिटी, और उसे क्या ग्रांट करता है, लोन फैसिलिटी. नाउ प्ले एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के रूप में रोल प्ले करता है. व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज, सुपरवाइजर का मतलब होता है डायरेक्टिव गिवन बाय द आरबीआई. आरबीआई क्या देता है भाई, डायरेक्टिव्स देता है, लाइक सीआरआर एसएलआर. व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट सीआरआर स्टैंड फॉर, एसएलआर स्टैंड फॉर, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके. तो सीआरआर एसएलआर टाइम टू टाइम चेंज बाय द आरबीआई. किसके पास राइट है इनको चेंज करने का, आरबीआई के पास राइट है कि वो टाइम टू टाइम इसके रेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. ओके.